सुप्रभात बच्चों, मैं निमिषा आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी सुर विचार का छठा पाठ, पेड़ पौधों की दुनिया। आज हम इसका स्वाध्याय सीखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहले है कठिन शब्द। कठिन शब्द यानी नए शब्द। पहला है धरोहर। धरोहर यानी अमानत। फिर है पुण्य। पुण्य यानी मंगलकारक या पवित्र। फिर है ध्रुव। ध्रुव एटले पृथ्वी के उत्तर दक्षिण अंतिम छोर। स्मृति। स्मृति यानी याद। आहार यानी भोजन। औषधि यानी दवा। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय। परोपकार दूसरों की भलाई। यश नाम या प्रशंसा। जलमग्न पानी में डूब जाना। कमाऊ यानी कमाने वाला। वनस्पति जगत यानी पेड़ पौधों की दुनिया। आगे है उपलब्ध। उपलब्ध यानी पाठ। फिर है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन यानी सुनकर लिखना। पहला है संयोग। फिर है धार्मिक, बढ़ोत्तरी, संस्कार, मुद्राएं, बिल्वपत्र, विद्यालय, परोपकार, अशुद्ध। फिर है स्मृति। आगे है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों में पहला है बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे क्या कर रहा था। तो बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे पौधा लगा रहा था। दूसरा प्रश्न है पौधे हमें क्या देते हैं। तो बच्चों पौधे हमें छाया, अनाज, फल, फूल, औषधि, सब्जियां आदि देते हैं। आगे का प्रश्न है राजा ने बूढ़े आदमी को भेंट में क्या दिया। तो राजा ने बूढ़े आदमी को भेंट में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। चौथा प्रश्न है वृक्ष और मनुष्य में क्या संबंध बताया गया है। तो वृक्ष और मनुष्य में पिता पुत्र का संबंध बताया गया है। वनस्पति जगत का पति किसे कहा गया है। तो वनस्पति जगत का पति चंद्रमा को कहा गया है। आगे है सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है बूढ़ा आदमी किसका पौधा लगा रहा था। तो बूढ़ा आदमी है वो आम का पौधा लगा रहा था। एक नंबर का सही होगा। दूसरा है बूढ़े आदमी ने पेड़ों को क्या कहा। तो बूढ़े आदमी ने पेड़ों को समाज की धरोहर कहा। तीन नंबर का सही है। चौथा है निम्नलिखित में से किस वृक्ष की पूजा होती है। तो है वो आंवला की पूजा होती है। दो नंबर का सही है। आगे का प्रश्न है पेड़ों को बड़ी संख्या में क्यों काटा जा रहा है। तो उसका जवाब है जनसंख्या बढ़ने के कारण। आगे है पेड़ों का कमाऊ सपूत किसे कहा गया है। तो पेड़ों का कमाऊ सपूत पत्तियों को कहा गया है। दो नंबर का सही होगा जवाब। फिर है सोम औषधि नामक पौधे में पत्ते कब लगते हैं। तो सोम औषधि नामक पौधे में चांदनी रात में पत्ते लगते हैं। एक नंबर का सही होगा। आगे का प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी खाली जगह पूर्ण करें। पहला प्रश्न है पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है। दूसरा है वृक्ष लगाना पुण्य का और काटना पाप का कार्य माना जाता है। आगे का प्रश्न है वृक्ष लगाने से रोग शोक दूर होते हैं। आज पौधों को हरा सोना कहा गया है। अंतिम है जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण पेड़ों की को बड़ी संख्या में काटा जा रहा है। आगे का प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बूढ़ा आदमी कौन सा परोपकार का काम कर रहा था। तो बच्चों बूढ़ा आदमी है वो पौधा लगाने का परोपकार का काम कर रहा था। वृक्ष लगाना पुण्य का काम क्यों माना गया है। वृक्ष लगाने से क्या पुण्य मिलता है। तो बच्चों इसका जवाब थोड़ा लंबा है, मैंने अपनी नोटबुक में लिखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बच्चों उसका जवाब है
वृक्ष समाज की धरोहर है। इनकी उपयोगिता के कारण इन्हें लगाना पुण्य का काम माना गया है। वृक्ष उनकी मृत्यु के बाद भी उनका यश फैलाते हैं। वृक्ष लगाने से रोग शोक दूर होते हैं। वृक्ष वर्षा कराने में हमारी सहायता करते हैं। वृक्षों के कारण ही हम शुद्ध हवा में सांस लेते हैं तथा वृक्ष हमें भोजन देते हैं। आगे का प्रश्न है, वृक्ष भूमि को कैसे उपजाऊ बनाते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है वो पाठ्य पुस्तक में मैं आपको दिखा देती हूँ। उसका उत्तर यहाँ है, वृक्ष वर्षा कराने में हमारी सहायता करते हैं। उनकी टहनियाँ झूम झूम कर बादलों को बरसने का निमंत्रण देती है। वृक्ष की जड़ें पानी को तेजी से नहीं बहने देती। वृक्ष की टहनियों के कारण वृक्ष की बौछार का टकराव धरती पर सीधा नहीं होता, इससे भूमि कटाव कम होता है। कटाव कम होने से मिट्टी उपजाऊ परत पानी में बहने से बच जाती है। तो बच्चों इस तरह है वो वृक्ष भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। आगे का प्रश्न है, पेड़ पौधों को हरा सोना क्यों कहा गया है? क्योंकि उसकी उपयोगिता अधिक है सोने की तरह, इसलिए पेड़ पौधे को हरा सोना कहा गया है। आगे का प्रश्न है, यह जरूरी नहीं कि जो बोए वही उसके फल खाए, इस कथन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, कुछ कार्य परोपकार के लिए भी करने चाहिए। जैसे नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते, इसी तरह कुछ कार्य है हमें दूसरों के लिए भी करने चाहिए। आगे है, नाम लिखिए। तो दो फलों फल देने वाले वृक्ष, तो दो फल देने वाले वृक्ष में आम और अमरूद। फिर है दो ऐसे वृक्ष जिनसे हमें लकड़ी प्राप्त होती है, तो शीशम और सागौन, सागौन यानी साग। फिर है दो फूलदार वृक्ष, तो गुलमोहर और हर श्रृंगार। दो ऐसे वृक्ष जिनकी पूजा की जाती है, तो आंवला तुलसी और एक पीपल की भी पूजा की जाती है। दो छायादार वृक्ष, नीम और बरगद। आगे है पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न। पाठ्यांश यानी पाठ का छोटा अंश यहाँ दिया गया है, एक पैराग्राफ, उसके नीचे प्रश्न लिखे गए, उसके जवाब हमें देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हिमालय और इसके आसपास किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? तो हिमालय और उसके आसपास अंधेरे में चमकने वाले पौधे पाए जाते हैं। वनस्पति जगत का पति किसे कहा गया? वनस्पति जगत का पति चंद्रमा को कहा गया। शिकारी पौधे ने अपना आहार कैसे बनाते हैं? तो बच्चों यह पौधे है वो अपने आसपास गुजरने वाले छोटे जंतुओं को अपनी शाखाओं में लपेट लेते हैं और अपना आहार बना लेते हैं। अगला है विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विरोधी शब्द। पहला है पूर्णिमा, तो उसका विरोधी होगा अमावस्या। फिर है प्रकाश, प्रकाश का विरोधार्थी अंधकार होगा।